सैयदो सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान सैयदो 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 सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफीए मुजरिमा शाहबाज़े शाहबाज़े लामकानी जानयू रहमतलिल आलमी दर्शानयू जन्नतुल फिरदौस कुवे मुस्तफा हुस्न मुतलक हस्त रुए मुस्तफा। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम सामईन हाजरीन, आज जुमातुल मुबारक है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस अपने इस मुबारक दिन में हमें अपने और अपने और अपने प्यारों के ज़िक्र के लिए अपने घर में जमा कर लिया है। आज की गुफ्तगू का उन्वान बड़ा दिलचस्प है। पिछले कई जुम्मों से सरकार की मोहब्बत, सरकार की तौसीफ़ और नात की बात चल रही थी, तो आज भी हम वैसे तो सरकार की ही बात करेंगे लेकिन एक और जाविये से, एक डिफरेंट एंगल से। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लकद करमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज्जत अता की है। करमना तकरीम देना, इज्जत करना, कि हमने आदम की औलाद को बड़ी तकरीम दी है, बड़ी इज्जत दी है। और आप देखते हैं अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात बनाई है उन तमाम मखलूकात में इस माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा फजीलत और इज्जत इंसान को ही अता की गई है। मैं इसकी मिसाल अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को तख्लीक फरमाया, इंसान भी हैं, जानवर भी जिनमें बनाए। आप उन जानवरों में देखें, घोड़ा एक जानवर है और वो इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। भैंस एक जानवर है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह की मखलूक है,
लेकिन वो इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, ये इंसान की इज्जत नहीं तो और क्या है कि इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर घोड़ा, इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर भैंस, वो 10 साल का छोटा बच्चा भी उसकी रस्सी को जिधर खींचता है वो ताबेदारी करता पीछे पीछे चला पड़ता है। एक 10 साल का बच्चा भी घोड़े के गले में रस्सी डाल के उसको जिधर चाहे घुमाए फिरता है, या उसकी लगाम जिधर खींचता है उधर उसको मोड़ लेता है। इतनी ताकतवर मखलूक को अल्लाह ने इंसान का ताबेदार बना दिया है, इतनी ताकतवर मखलूक को अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए बनाया है। अल्लाहु अकबर। और ये खिदमत क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने तमाम मखलूकात में इंसान को फजीलत अता फरमाई है। तो अब जिसको इज्जत अता की है तो हक यही बनता है कि जिसको अल्लाह ने इज्जत अता की है तो फिर दूसरी मखलूकात भी उसकी इज्जत करें, दूसरी मखलूकें भी उसकी ताज़ीम करें, रब ने जो इज़्ज़त दे दी है। और ये इज़्ज़त के ही मुख्तलिफ तरीक़े हैं कि वो किसी पर आप सवारी कर रहे हैं, वो आपको एक किसी जानवर पर हम सवारी करते हैं, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है बड़ी फर्मा बरदारी के साथ। किसी जानवर का हमने गोश्त खाना है तो हम उसका गोश्त भी बड़े इत्मीनान और तसल्ली के साथ खा लेते हैं। कई जानवरों से हमें दूध लेना होता है तो हम बड़े तरीके से उनका दूध खुद इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे के सारे जानवर, वो मखलूकात अल्लाह ने इंसान की खिदमत पर लगा दी हैं, और यही ताज़ीम और इज़्ज़त है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया। फरमाया लक़द करमना बनी आदम, के हमने इंसान को, बनी आदम को, आदम के बेटों को हमने बड़ी इज्जत अता की है। अल्लाह अकबर। यारन ग्रामी, अब इससे अगली बात यह है जो बड़ी काबिल गौर और बड़ी सोचने वाली है कि इज्जत इस इंसान को किस वजह से दी गई? क्या हमने बड़ी मेहनत की है? हम सब, मैं भी शामिल हूँ, आप भी, आप बताएं कि क्या अल्लाह की बारगाह से इज्जत हासिल करने के लिए हमने कोई दिन रात जागे हैं? नहीं। कोई दिन रात इबादतें की हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई बड़ी मेहनत मशक्क़त की है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम तो वही रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, नमाज की तौफीक हुई तो पढ़ ली, नहीं तो नाश्ता किया, नहाए धोए, काम पे चले गए शाम को, वही रूटीन की ज़िंदगी है। तो फिर अल्लाह ने ये इज़्ज़त इंसान को क्यों अता फरमाई? किस वजह से ये इंसान मुअज़्ज़ज़ हुआ है? किस वजह से इंसान मुकर्रम हुआ है? ये इज़्ज़त की वजह क्या है? वजह ताज़ीम क्या है? यारने ग्रामी, जब हम इस नुक्ते पर गौर करते हैं तो कई किस्म के जवाबात जहन में आते हैं, उनमें कुछ दुरुस्त भी हैं, कुछ दुरुस्त नहीं भी होंगे। पहला जवाब ये जहन में आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त और ताज़ीम इस वजह से दी है कि अल्लाह ने इंसान को अक़ल अता की है, जबकि जानवरों को अक़ल अता नहीं की। शायद इस वजह से इज़्ज़त होगी कि ये साहिब शऊर मखलूक है। लेकिन यारान ग्रामी, मैं इस बारे में ख़ुद ही सोच रहा था और सोचता हूँ कि मुझे ये जवाब कोई ख़ास मोतबर नहीं लगता। मोतबर इस तरह से नहीं लगता कि हर मखलूक को उसकी ज़िंदगी के बारे या उसके दायरे में रहकर अल्लाह ने अक़ल अता की है। हमारी ज़िंदगी का जो दायरा है हमें उस एतबार से अक़ल है, हमें पता है कि ये आग है इसको हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, हमें पता है कि अब मेहनत करेंगे कमाएंगे तो ही खाएंगे, ये अक़ल, ये शऊर, ये पता है, ये वालदा है इसकी इज़्ज़त करनी है, ये बाप है इसकी ताज़ीम करनी है। हमें जो अक़ल और शऊर दिया गया है
वो हमारी ज़िंदगी के एतबार से है, हमारे ज़िंदगी का जो दायरा है उस एतबार से दिया गया है। लेकिन अगर आप दूसरी मखलूकात की तरफ गौर करें तो अल्लाह ने उनको भी उनकी ज़िंदगी के एतबार से शऊर दिया है, अकल उनको भी दी है। आप देखते नहीं कि एक छोटा सा परिंदा, चिड़िया कह लें या दूसरे छोटे परिंदे, छोटा सा बिल्कुल हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, दबोचें तो हम एक मुट्ठी से हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। वो छोटा सा परिंदा सिर्फ अपनी एक चूँच की मदद से ऐसा खूबसूरत घोंसला तरतीब देता है कि हम इंसान अगर तिनके जमा करके उस डिज़ाइन का घोंसला बनाना चाहें तो शायद हम नहीं बना सकेंगे। तो शऊर तो अल्लाह ने दिया है उसको। अब वो मुट्ठी जितना परिंदा तो उसका दिमाग उसमें कितना को होगा, नाखून के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन उसको इतना शऊर है कि मैंने अपना घर कैसे बनाना है, बिखरे हुए तिनके लेकर और इतनी तरतीब के साथ वो उन तिनकों को जोड़ता है, ताना बाना उनका ऐसा बनाता है कि वो एक खूबसूरत और महफूज घर बना के और उसको दरख्त के ऊपर बाकायदा टांग भी देता है। तो उसकी ज़िंदगी का तो उसको शऊर है। वो जानवर जो रोज़ हम पालते हैं, मतलब भैंसें हो गई, ये दूसरे जानवर हो गए, उनको पता है कि हमें भूख लगी है और ये जो है ये चारा है, ये खाने वाली चीज़ है। अगर आप भैंस के सामने गोश्त डालोगे वो खाएगी? बोल दें खाएगी नहीं खाएगी। तो हर मखलूक को उसकी ज़िंदगी के दायरे में रहते हुए अल्लाह ने उसको अकल दी है, शऊर दिया है। हाँ, अगर हम कहें कि भैंसों को हमारे जितनी अकल नहीं है, तो जिस चीज़ का भैंसों को शऊर है उसका हमें भी तो नहीं है। चींटी कई मीलों से चीज़ को सूंघ लेती है और उसको जाकर मतलूबा जगह पर जाकर पकड़ लेती है, हम कई मीलों से सूंघ नहीं सकते। चींटी को बिल के अंदर अपना दाना स्टोर करने, महफूज करने की सलाहियत है, जबकि हम उस कदर सलाहियत नहीं रखते। यानी जो चीज़ें अल्लाह ने उनको दी हैं वो हमें भी तो नहीं दी। बहर कैफ, ये सारी बात अर्ज़ करने का मकसद ये था कि अगर हम कहें कि इंसान को फजीलत इस वजह से दी है कि इंसान अक्लमंद है, अक़ल वाला है, शऊर वाला है, तो यारान ग्रामी हर मखलूक को अल्लाह ने उसकी अपनी ज़िंदगी के एतबार से अक़ल और शऊर दिया है। ये जवाब तो मजबूत नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा जवाब कुरान पाक से आता है। वो जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत इस वजह से दी है कि जब तमाम इंसानों के मूजदे आला, तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, बनाया गया, तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कुरान कहता है कि वो फरिश्ते उसके लिए सजदे में गिर गए। अब इस आयत से ये पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान को इस वजह से इज़्ज़त और फजीलत दी है कि इंसान को सजदा किया गया है। तो ज़ाहिर बात है सजदा करने वाला फजीलत में कम होता है और जिसको सजदा किया जाए उसकी फजीलत ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ने चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया था, इस वजह से अल्लाह ने तमाम इंसानियत को इज़्ज़त अता कर दी है। एक ये भी जवाब आता है कि चूँकि ये मस्जूद है, इसको सजदा किया गया है, तो जिसको सजदा किया जाए वो अफजल होता है और जो सजदा करे वो कमतर होता है। तो लिहाजा फरिश्तों ने चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, लिहाजा इस वजह से इंसान को मुअज़्ज़म बना दिया गया है, मुकर्रम बना दिया गया है। लेकिन यारान ग्रामी ये जवाब एक दफ़ा दिल को लगता तो है, दिमाग को लगता तो है, लेकिन जब इसमें हम गहराई से देखते हैं और गौर करते हैं तो ये जवाब भी हमें कोई ख़ास मोतबर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में एक जगह पर ऐसा भी लिखा गया है कि सजदा करने वाला अफजल था लेकिन उसने सजदा किया है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। सूरह यूसुफ आपने सुन रखा है, जानते हैं ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुन रखा है आपने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखी और ख्वाब में क्या देखा कि 11 सितारे
एक सूरज और एक चांद मुझे सजदा कर रहा है। और ये रात को ख्वाब देखकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सुबह अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाई और ख्वाब में क्या कहा, कहा कि इन्नी रअईतु अहदा आशरा कौकबन व शमसा वल कमरा रअईतुहुम ली साजिदीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं कि अब्बा जी मैंने रात को ख्वाब देखी और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि अहदा आशरा कौकबन के 11 सितारे हैं, व शमसा वल कमरा एक सूरज है और एक चांद है, रअईतुहुम मैं उनको देख रहा हूँ कि ली साजिदीन के मुझे वो सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे एक सूरज और एक चांद है और वो मुझे सजदा कर रहा है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर क्या बताई, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे अल्लाह तुझे फजीलत अता करने वाला है, अल्लाह तुझे नबूवत अता करने वाला है और जो 11 सितारे तुझे सजदा कर रहे थे ये 11 तेरे भाई हैं जो तेरे फरमा बरदार बनेंगे और जो सूरज तुझे सजदा कर रहा था वो तेरा बाप याकूब है और जो चांद तुझे सजदा कर रहा है उससे मुराद तेरी वालदा माजदा है। अब आप इसमें देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया भाइयों ने, अब भाई भी सारे उम्र में बड़े हैं तो बड़ा ज़्यादा इज्जत वाला होता है छोटे से, तो बड़े भाई छोटे भाई को सजदा कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद ने भी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने सजदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो याकूब अलैहिस्सलाम तो बाप हैं और इसमें तो कोई बहस की ज़रूरत नहीं कि बाप ज़्यादा अफजल होता है बेटे से, बोलें बाप बेटे से ज़्यादा अफजल है, लेकिन उसके बावजूद बाप ने सजदा किया अपने बेटे को। माँ बेटे से ज़्यादा अफजल है लेकिन उसके बावजूद कुरान कहता है कि माँ ने सजदा किया, ख्वाब क्या देखी कि माँ ने सजदा किया अपने बेटे को। तो अगर सजदा करने से यानी जिसको सजदा किया जाए अगर सिर्फ सजदे से इज्जत मिलती या हमेशा छोटा बड़े को सजदा करता है ऐसा होता तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को आप क्या करोगे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से सूरह यूसुफ़ की इस तफसीर से इस जवाब का रद्द होता है कि नहीं, इंसान को इज्जत सजदे की वजह से नहीं मिली। क्या हम कहें फरिश्तों ने सजदा किया था आदम अलैहिस्सलाम को इसी वजह से इंसान मुअज़्ज़म हो गया मुकर्रम हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर सजदे से ये इज्जत मिलती तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और वो अपने बेटे को क्यों सजदा करते, माँ ज़्यादा अफजल है वो बेटे को क्यों सजदा करती। यारन ग्रामी आए हम अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं और गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करते हैं कि इंसान को मज़मून असल में चल रहा है कि इंसान को जो अल्लाह ने फरमाया लक़द करम ना बनी आदम कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी है, हमने आदम की औलाद को मुअज़्ज़म और मुकर्रम बनाया है फजीलत दी है। तो हम बहस कर रहे थे वजह फजीलत पर कि फजीलत क्यों दी, तो पहली बात क्या थी कि शायद इस वजह से फजीलत दी कि इंसान साहिब अकल है। तो लेकिन इस बात को भी रद्द कर दिया गया कि नहीं, अल्लाह ने हर मखलूक को उसके दायरे में अकल वाला बनाया है तो ये तो कोई वजह नहीं बनती। दूसरी वजह ये समझ आती थी कि शायद चूँकि इंसान को सजदा किया गया है इस वजह से इंसान तमाम मखलूकात से आला हो गया अफजल हो गया। तो ये सूरह यूसुफ़ के इस ख्वाब से इस बात का भी रद्द हो जाता है कि नहीं, ये सजदे की वजह से ये फजीलत नहीं मिली। अच्छा जी, अब आ जाएँ तीसरी एक बात और कर लेते हैं फिर इस मज़मून को समेटते हैं। बाज़ अहबाब का ये ख़्याल है कि अल्लाह ने इंसान को इस वजह से इज़्ज़त अता की है कि अल्लाह ताला की मखलूकात में इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है, शायद इबादत की वजह से। ये इंसान बकायदा ज़बान से कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह,
जबकि और दीगर मखलूकात, जानवर, चुपाए, हशरातुल अर्द, ये इस तरह का लफ्ज़ नहीं बोल सकते, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। इंसान सबसे ज़्यादा शायद इबादत करता है, इस वजह से इंसान को इज़्ज़त मिली और अल्लाह ने बाकायदा इंसान की ड्यूटी ये लगाई है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चूँकि अल्लाह ने इस मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, शायद इस वजह से इस मखलूक को इज़्ज़त दे दी है। लेकिन यारान ग्रामी, ये जवाब भी हमें कोई ख़ास मज़बूत नहीं लगता। किस तरह नहीं लगता? कि अगर हम अपनी इबादत की वजह से अफजल हो रहे हैं, तो पहले मैं एक अवामी सा जवाब दे लूँ, तो आप फिर ख़ुद ही देख लें हम कितनी को इबादत करते हैं। अगर हमारी इबादत के एतबार से हमें इज़्ज़त मिलती, हमारी इबादत के एतबार से जितनी इबादत हम करेंगे उतनी इज़्ज़त मिलेगी, अगर इस तरह हमें इज़्ज़त मिलती और हम मुअज़्ज़म बन रहे होते, तो जितनी को हम इबादत करते हैं, तो मेरा ख़्याल है हम तो अल्लाह के रिज़्क के भी हकदार नहीं हैं। जितनी को हम इबादत करते हैं, तो मेरा ख़्याल है हम तो अल्लाह के रिज़्क के भी हकदार नहीं हैं। फिर इस तरह यूँ होता कि अगर इबादत की वजह से इज़्ज़त है, तो फिर ये जानवर जो हमारे ताबेदार हैं, जैसे मैंने पहले तफसील के साथ मिसाल दी, इतना ताकतवर घोड़ा किस तरह हमारी ताबेदारी करता है, ताकतवर भैंस है, 10 साल का बच्चा जिधर मर्जी घुमाए फिरता है, हमारी फरमा बरदार बन गई है। तो अगर इबादत की वजह से ये इज़्ज़त मिलती, तो हर नमाजी आदमी, इबादत गुजार आदमी, वो तो भैंसें रख सकता था, लेकिन बेनमाजी और इबादत ना करने वाला वो तो फिर जानवर नहीं रख सकता था। वो जानवर भी कहेंगे हम तेरी इज़्ज़त क्यों करें भाई। तो यारान ग्रामी, ये तो एक अवामी सी बात थी। इल्मी इसकी बात ये है कि अगर इंसान को इबादत की वजह से इज़्ज़त मिलती, तो हम इंसानों से पहले इबलीस बहुत ज़्यादा इबादत कर चुका था, ज़मीन के चप्पे चप्पे पर सजदे कर चुका था, दिन रात अपने इबादत में मशगूल कर चुका था। इबलीस हमसे पहले करोड़ों साल अल्लाह की इबादत में गुजार चुका था। अगर इबादत की वजह से हमें इज़्ज़त मिली है, तो हमसे पहले हमसे कई करोड़ गुना ज़्यादा इबादतें हो चुकी हैं। तो फिर बताएं, इंसान अफजल है कि शैतान अफजल है? इंसान अफजल है। तो फिर ये बात समझ आती है कि नहीं, इबादत की वजह से भी इज़्ज़त नहीं है। ये जो इज़्ज़त जो अल्लाह ने, ख़ास इस मकाम पर मैं बात कर रहा हूँ कि लक़द करमना बनी आदम, अल्लाह फरमाता है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त अता की है, तकरीम अता की है। इसकी वजह क्या है? यारान ग्रामी, आए इसके फ़ाइनल जवाब की तरफ आते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा मोतबर और हरफ़ आखर लगता है इस एतबार से कि अल्लाह ने इस इंसान को इज़्ज़त क्यों अता फ़रमाई, अल्लाह ने इस इंसान को इज़्ज़त क्यों अता फ़रमाई। इस इंसान के अगर हम वैसे इसके आमाल को देखें, इसके पल्ले देखें, तो कुछ भी नहीं है। ना अच्छे अखलाक हमारे पास, ना अच्छी रवादारी हमारे पास, ना हम सखावत हमारे पास, बहुत सारे ऐबों में हम घिरे हुए हैं, हम दागदार हुए पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमें इज़्ज़त मिल गई, अल्लाह ने फरमाया कि मैं आदम की औलाद को तकरीम और इज़्ज़त अता कर दी है, तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद मुझे ये बात समझ आती है अल्लाह के फजल के साथ कि ये जो इंसान को इज़्ज़त दी गई है, ये इस वजह से दी गई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों में भेजा है, इस वजह से इंसानों को इज़्ज़त अता करे। सरकार अलैहिस्सलाम और किसी मखलूक में नहीं आए, वैसे सरकार तमाम मखलूकात के लिए नबी बनकर आए हैं, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम जो जिसामत और जो साख्त लेकर तशरीफ़ लाए हैं, वो हम इंसानों वाला हुलिया लेकर आए, वो साख्त हमारे इंसानों वाली है, किसी और मखलूक की साख्त और जिसामत मेरे आका को अता नहीं की गई। अगरचे सरकार तमाम मखलूकात के लिए नबी हैं, लेकिन और किसी मखलूक में, मैं मोहब्बत के साथ ये जुमला कह रहा हूँ और उम्मीद है आपको भी लुत्फ आएगा
कि अल्लाह ने अगर मोहम्मद बनाया है तो इंसानों में बनाया है और किसी मखलूक में मोहम्मद नहीं बनाया है, किसी मखलूक में मोहम्मद नहीं बनाया है। तो अल्लाह ने अपने आखिरुज़्ज़मा नबी, जिस नबी की वजह से सारी कायनात को बनाना था, तो उस नबी को अल्लाह ने जो हुलिया अता करना था, उस नबी को अल्लाह ने जो जिसामत अता करनी थी, उस नबी को अल्लाह ने जो साख्त अता करनी थी, वो साख्त चूँकि इंसानों वाली थी, इसलिए अल्लाह ने उस साख्त और हुलिये की वजह से तमाम इंसानों को ही फजीलत अता फरमा दी है कि मैं इस मखलूक में या इस मखलूक के अंदर से अपना नबी चुनने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने नबी की मुशाबहत की वजह से, अपने नबी की साख्त में मुशाबहत की वजह से इस सारी मखलूक को इज़्ज़त वाला बना देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लक़द करमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को फजीलत अता की है कि अल्लाह ने तमाम अम्बिया भी इसी मखलूक के अंदर भेजे हैं, जिन्नों के अंदर कोई नबी नहीं है। 1,24,000 कमोबेश अम्बिया कराम में एक भी नबी ऐसे नहीं हैं जो जिन्नात में से हों। अल्लाह के तमाम अम्बिया में एक भी नबी ऐसे नहीं हैं जो फरिश्तों में से हों। और फिर आखिरुज़्ज़मा नबी, तमाम अम्बिया का सरदार नबी, इमामुल अम्बिया को जब अल्लाह ने भेजा तो वो भी इसी मखलूक में से बनाकर भेजा, इसलिए अल्लाह ने तमाम मखलूकात पर इंसानियत को फजीलत अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर। शायर कहता है ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, ऐसा रुख देखा नहीं कि मेरे आका जैसा किसी को देखा है, मेरे आका की मिसल किसी को देखा है। तो फिर पढ़ लो ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, मिसल तेरी दो जहां में, मिसल तेरी दो जहां में, ऐ हसी मिलती नहीं, मिसल तेरी दो जहां में, ऐ हसी मिलती नहीं, मिसल तेरी दो जहां। चलो ये तो हमारी बातें हैं ना, आप सहाबी रसूल से तस्दीक करवा लें, हज़रत हसान बिन साबत से पूछें कि आप क्या कहते हैं। ये हमारी बातें तो फिर ज़ाहरी बात है हमारी है ना, वो अच्छी भी हो सकती हैं अच्छी नहीं भी हो सकती। सहाबी रसूल से पूछें कि आप मेरे मुस्तफ़ा के बारे क्या कहते हैं, तो हज़रत हसान बिन साबत ने मुस्तफ़ा के सामने खड़े होकर कहा क्या कहते हैं, कहते हैं कि वह अजमलु मिन कलम तरकतु ऐनैन, व अजमलु मिन कलम तरकतु ऐनैन, व अहसनु मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। कहता या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिन कलम तरा कत्तु आई नहीं, कभी भी मेरी आँख ने आपसे बढ़कर हसीन देखा ही नहीं है, कभी मेरी आँख ने। अच्छा तवज्जो रखिएगा, मैं बड़ी एक बारीक और लतीफ़ बात आपसे करने जा रहा हूँ। फरमाया कि आपसे ज़्यादा हसीन, लम तारा कत्तु, कत्तु का मतलब कभी भी,
कभी भी मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा है। वह अजमल मिन का लम ताली दिन निसा, ताली दी विलादत से है, निसा माना औरतें, कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी औरत ने जना ही नहीं है। अच्छा, पहली बात तो समझ आती है कि हम अपनी तो तसल्ली दे सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं कि जी मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने ऐसा, ठीक है, हो सकता है नहीं देखा। फिर ये भी ज़रूरी नहीं, मैंने कौन सी सारी मखलूक देख ली है, मैंने कौन सी, बोलो। हज़रत हसान बिन साबित कहते हैं कि मेरी आँख ने आप जैसा खूबसूरत नहीं देखा। ठीक है, बात समझ आ गई कि हज़रत हसान बिन साबित ने कुछ सारी मखलूक थोड़ी देखी थी, चलो जितने लोग उन्होंने देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत सरकार होंगे। क्या ना, मेरी आँख ने नहीं देखा। लेकिन अगले जुमले के अंदर इस शिबे का भी इजाला कर दिया कि मेरे पहले मिसरे से कोई ये ना समझे कि जो मैंने कहा कि मेरी आंख ने नहीं देखा, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि इस जमीन के किसी कोने के अंदर के मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई हो, लेकिन हसान बिन साबित कहते मैंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन हो सकता है कोई मौजूद हो। ये इस मिसरे से पर एतराज हो सकता था, लेकिन हजरत हसान बिन साबित को अल्लाह ने जो ज़हानत अता की है, कहा जो तुम मेरे पहले मिसरे पर अगर एतराज करो भी तो दूसरा मिसरा इसका जवाब देगा कि वह अजमल मिन का लम तली दिन निसा, कि सिर्फ मेरे देखने की बात नहीं, अल्लाह ने कायनात के अंदर जितनी भी औरतें भेजी हैं आज तक किसी औरत ने मुस्तफा जैसा हसीन जना ही नहीं। दूसरे मिसरे ने इसका जवाब दिया कि वह अजमल मिन का लम तली दिन निसा, किसी औरत ने जना ही नहीं है। और फिर अपने पहले मिसरे को बाकिया तीनों मिसरों में इसको मजबूत कर दिया। क्या कहते हैं, खुलक था, इसकी दलील अर्ज कर रहे हैं, दलील बयान कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके सामने आपका हुस्न बयान करता हूँ, लेकिन ऐसे खाम खा जज्बाती जुमले नहीं कह रहा, या रसूल अल्लाह आपका हुस्न बयान करूँगा और दलील के साथ आपका हुस्न बयान करूँगा। और दलील क्या है, खुलकता मुबर्रा अमिन कुल्ली आयबिन का अन्ना का कद खुलकता कमा तशा, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया है, गोया के यूं लगता है कि जैसा आपने चाहा है अल्लाह ने वैसा ही आपको बनाया है। ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया है, और हुसन ये एक सिफत है। और अगर कल कहा जाए कि ये फलां आदमी कोजा है, ये फलां आदमी काला है, या फलां आदमी बदसूरत है, तो बदसूरत होना, काला होना, ये एक ऐब समझा जाता है। इसलिए दलील दे दी, खुलकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, मेरे आका आपको तो अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया है, और बदसूरती एक ऐब है, और अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया है। जब तमाम ऐबों से आप पाक हैं तो साबित क्या हुआ कि कायनात में सबसे खूबसूरत आपकी ज़ात मुबारक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यारान ग्रामी, आखिर में मुझे अब दो बातें आपसे एक हमदर्दाना अपील के तौर पर करनी है। वो करनी ये हैं कि मुझे आप बताओ एक दफ़ा बुलंद आवाज़ करके कि कायनात में सबसे खूबसूरत हस्ती कौन है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ज़रा हाथ उठा के और ज़ोर लगा के बताओ, कायनात में सबसे खूबसूरत कौन है, कायनात में सबसे खूबसूरत कौन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ज़रा दिल पे हाथ रख के मेरा ये जुमला सुनना कि अल्लाह ताला ने कायनात के सबसे खूबसूरत चेहरे पर दाढ़ी का हुसन रखा था। कायनात के सबसे खूबसूरत चेहरे को दाढ़ी के साथ मुज़य्यन किया है, दाढ़ी के साथ सजाया गया है।
और ये मैं इस बात का जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे बिलखसूस नौजवान कहते हैं कि जी दाढ़ी रख लेंगे और अभी कौन सी उम्र है, मतलब कि जब हर तरफ से फारिग हो जाएंगे तो चलो फिर दाढ़ी भी रख लेंगे, और हम समझते हैं कि शायद के दाढ़ी से हमारी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी और हमारा वो वक़ार और हमारी वो जो शख्सियत है वो ख़राब होगी। तो मैंने आपके सामने बात अर्ज़ कर दी, अगर दाढ़ी से पर्सनैलिटी ख़राब होती होती, अगर दाढ़ी से शख्सियत ख़राब होती तो अल्लाह ताला इस दाढ़ी को कभी भी मुस्तफ़ा के चेहरे पर ना सजाता, मुस्तफ़ा के चेहरे पर ना सजाता। सरकार के चेहरे पर इस दाढ़ी का वजूद इस बात की दलील है कि दाढ़ी हुसन में इजाफा करती है, दाढ़ी हुसन में इजाफा करती। एक बात, और दूसरी और आखिरी बात यह है कि मैं जो बात शुरू में अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त अता की है, और इज़्ज़त किस वजह से अता की है, सरकार की वजह से। इज़्ज़त किस वजह से अता की है, सरकार की वजह से। पीछे पूरी गुफ्तगू इस पर तफसीलन हो चुकी है कि इज़्ज़त किस वजह से है, सरकार की वजह से। और मुझे बताओ कि जहाँ बंदे को इज़्ज़त मिलती हो, जहाँ बंदे को इज़्ज़त दी जाती हो, वहाँ अगर आदमी नाफरमानी करे, वहाँ अगर आदमी गुनाह करे, वहाँ आदमी अगर बदतमीज़ी करे, वहाँ अगर आदमी सुस्ती और काहली का मुजाहरा करे, तो मेरा ख़्याल है कि उस बंदे को अपनी गैरत का हिसाब लगाना चाहिए, अपनी गैरत फिर देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर भी अगर कोई आदमी बेचारा किसी चक्कर में पकड़ा जाए, किसी चोरी करता पकड़ा जाए, तो आम तौर पे क्या कहा जाता है कि तुझे इज़्ज़त रास नहीं आई, तुझे इज़्ज़त रास नहीं आई, मैंने तुझे अपनी दुकान पे रखा, तुझे कोई अपनी दुकान पे जगह नहीं दे रहा था, मैंने तुझे रखा, मैंने तुझे अपना काम सिखाया, हुनर सिखाया, और मैं तुझे तनख्वाह भी देता रहा, ख़र्चा भी देता रहा, तेरे फलां भी काम आया, फलां भी काम आया, उस टाइम पे तू पैसे ले गया, इस टाइम पे पैसे ले गया, और इतना तेरे साथ मैंने किया, इतनी तुझे इज़्ज़त दी, और उसके बावजूद उसके बाद तूने क्या किया, फिर मेरी ही दुकान से सामान चोरी किया, फिर मेरी ही दुकान पे तूने ये जुर्म किया है। तो यारान गिरामी, जहाँ से इज़्ज़त मिलती हो या जहाँ से इज़्ज़त मिली हो, वहाँ अगर नाफरमानी की जाए, वहाँ अगर गुनाह किया जाए, जुर्म किया जाए, तो फिर हमें अपनी गैरत को देखना चाहिए। हमें मुस्तफ़ा के दर से इज़्ज़त मिली है, हमें खुदा की बारगाह से इज़्ज़त मिली है, ये इज़्ज़त मिलने के बाद अगर फिर भी हम मुस्तफ़ा की नाफरमानी करें, फिर भी हम खुदा की नाफरमानी करें, फिर भी हम अल्लाह के अहकामात पर अमल ना करें, अजान का वक्त हो और हमारे कानों पर जूं तक ना रेंगे, रमज़ान का वक्त आए और हम फिर रोज़ों से दिल चुराएं, इसी तरह सदका और खैरात का मौका आए और हम फिर पीछे हटते जाएं, यारान ग्रामी अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमें अपनी गैरत को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी को गैरत रह गई है और कितनी मर चुकी है, हमें अपनी गैरत का अंदाज़ा करना चाहिए। इज़्ज़त वाला आदमी, गैरतमंद आदमी वो है कि जहाँ उसको इज़्ज़त मिले वहाँ फिर मुकम्मल वफा करे, वहाँ फिर बेवफाई नहीं है। जहाँ उसको इज़्ज़त मिलती है वहाँ बेवफाई नहीं की जाती, वहाँ फिर वफादारी की जाती है। और जिस दर से रिज़्क मिलता हो, जिस दर से रिज़्क और रिज़्क के साथ इज़्ज़त भी मिलती हो, हक ये बनता है कि मरते दम तक बंदा उस दर का वफादार बनकर रहे। यारान गिरामी, हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के वफादार रहें, ये दुआ किया करें, हमेशा ये दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें आखिरी सांस तक अपना और अपने हबीब का वफादार बना के रख। अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, सरकार से वफा, अल्लाह से वफा, अल्लाह के रसूल से वफा का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को सपोर्ट किया जाए, सरकार के मिशन को सपोर्ट किया जाए, सरकार के मिशन की हिमायत की जाए, ये भी सरकार से वफा का एक तरीका है। और सरकार का मिशन क्या है कि सरकार की तालीमात को आम कर दिया जाए, सरकार की तालीमात को आम कर दिया जाए, ये मेरे मुस्तफ़ा के मिशन का एक हिस्सा है। तो सरकार के मिशन का हिस्सा बनना,
सरकार की तालीमात को आम करना, ये भी हुजूर से वफा का एक तरीका है। और आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि इसके बेहतरीन मसरफ मसाजिद और मदारिस हैं। मसाजिद के जिन मस्जिदों से हमें सरकार की बातें सुनने को मिलती हैं, जिन मस्जिदों से हमें अल्लाह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिन मसाजिद से हमें अल्लाह के रसूल की बातें और अल्लाह की इबादत करने की सहूलत मुयसर आती है, और मदारिस वो हैं कि जिन जगहों पर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करने को मिलती हैं। तो आज के दौर में मसाजिद और मदारिस ये दो ऐसी जगह हैं कि आप इनके साथ वाबस्ता हों, इनको सपोर्ट करें। ये सरकार अलैहिस्सलाम के मिशन को सपोर्ट करना है, और सरकार के मिशन को सपोर्ट करना ही मेरे करीम आका से वफा करना है। और ये आखिर में बात मैंने इस वजह से अर्ज़ की है कि आप देख भी रहे हैं बाहर सारा कंस्ट्रक्शन का जो है काम हो रहा है, तामीराती काम सारा चल रहा है, ऊपर इस तरह बरामदे बनेंगे और भी दीगर काम हैं, फिर टाइल वगैरह भी लगेगी। और इसके साथ साथ इसकी ज़रूरत ज़्यादा इस वजह से भी पेश आई कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि अपनी मस्जिद में बाकायदा दारुल उलूम ज़ियाउल कुरान के नाम से दरसगाह का भी आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें बाकायदा लग चुकी हैं, हिफ्ज़ की क्लास भी लग गई है और दरस निज़ामी की क्लास भी लग गई है। असातिज़ा भी माशाल्लाह बाहर से भी आ रहे हैं, मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, असातिज़ा भी माशाल्लाह आ रहे हैं, क्लासें पढ़ा रहे हैं, और ये सारा काम चल रहा है। तो ये ज़ाहरी बात है कि हम इसमें किसी तरह की फ़ीस नहीं रखना चाह रहे कि हर तबके का आदमी, किसी भी तबके का आदमी हो, उसका हक है कि वो सरकार का दीन सीखे। तो हम फीसें रख कर किसी को दीन के सीखने में रुकावट नहीं बनेंगे, इसलिए हमने यही फ़ैसला किया था कि किसी तरह की फ़ीस नहीं रखेंगे। चूँकि यहाँ कंप्यूटर की भी इंशाल्लाह पढ़ाई की जाएगी तो उसकी भी किसी तरह की फ़ीस नहीं होगी, स्कूल की क्लासें इंशाल्लाह लगेंगी सेकंड टाइम, उसकी भी किसी तरह की फ़ीस नहीं होगी, और जो लुगत सिखाई जाएगी अरबी बोलचाल और इंग्लिश बोलचाल इंशाल्लाह उसकी भी कोई फ़ीस नहीं, और जो दरस निज़ामी और हिफ्ज़ है इसकी भी कोई फ़ीस नहीं। लेकिन ये इस तरह मिलजुल कर है कि जो आदमी अपने बच्चे दाखिल करा सकता है वो इस तरह इस मिशन का हिस्सा बन जाए, हम पढ़ा सकते हैं तो हम इस तरह इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं, जो आदमी अपना वक्त दे सकता है वो उस तरह इस मिशन का हिस्सा बने, और जो आदमी वक्त नहीं दे सकता वो माली तौर पर मदद करके इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये थोड़ी सी तफसील मेरे सामने रखी है जो मैं बस सुन लें और फिर हम बात ख़त्म करते हैं। चौधरी मोहम्मद उमर साहब तशरीफ़ फरमा भी हैं, इन्होंने 4000 ईंटें भेजी हैं इसके लिए, ऊपर तामीरात के लिए, अल्लाह ताला इनको जजा दे। इसी तरह 2000 ईंटें चौधरी बाबर मलिक साहब जो, इन्होंने 2000 ईंटें दी हैं। इसी तरह 1000 ईंट चौधरी परवेज़ और चौधरी खलील साहब, इन्होंने 1000 ईंट दी है। और ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन ये चौधरी उमर साहब के बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये 1000 आगे टाइल, ठीक है ये टाइल लिखी है जी, 1000 टाइल भी चौधरी मोहम्मद उमर साहब ने मस्जिद की खिदमत में ये तामीर के लिए दी है, अल्लाह ताला इनको जज़ा अता फरमाए। और इसी तरह अभी कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत भी है, तकरीबन शटरिंग वगैरह के लिए 25000 रुपये की ज़रूरत है, और 60 अदद सीमेंट की बोरियाँ वो हमें दरकार हैं। इसी तरह 200 फुट जो है वो बजरी अभी हमें चाहिए ऊपर लैंडर वगैरह के लिए, ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और बड़ा खूबसूरत काम इंशाल्लाह होगा। तो बजरी 200 फुट चाहिए, और 12 मन सरिया चाहिए, और 60 अदद सीमेंट की बोरियाँ चाहिए, और 25000 रुपये उस शटरिंग वगैरह के लिए चाहिए। तो अगर 2 मिनट की 3 मिनट की इजाज़त हो इंतज़ामिया की तरफ से, तो आप अहबाब अगर ऐलान कर दें, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दें कि जी मैं इतनी